हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हु इज एन MLA, यही हेडिंग है आपकी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक को देखने के बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा MLA कौन होते हैं, कैसे इलेक्ट किया जाता है, क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उसके एग्जाम्पल से हम कुछ समझने वाले हैं, ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पिछले वीडियो में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, जो हमारा चैप्टर है कौन सा, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद में आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि स्टेट गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में MLA एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने आपको बताया था कि जो स्टोरी थी, तो स्टोरी में देखा था लोग किससे जवाब मांग रहे थे, MLA से जवाब मांग रहे थे। तो उस सेंस में MLA बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले MLA होता क्या है, तो उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। बहुत से स्टूडेंट्स को होमवर्क अभी ही बन जाएगा, मतलब पता होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो जिन्हें नहीं पता है वो पता करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या कि नेम ऑफ द MLA ऑफ योर एरिया। आप जिस एरिया में रहते हैं, आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, कंस्टिट्यूएंसी भी अभी क्या होता है समझाऊंगा, तो आपकी कंस्टिट्यूएंसी से कौन MLA है, MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आपकी कंस्टिट्यूएंसी भी बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, पेरेंट्स से पता कीजिएगा, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल सकता है, आपको सारी जगह मिल सकता है ये। तो MLA होते कौन है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, या फिर हिंदी में हम जिन्हें कहते हैं विधायक। अब विधायक सुन के बहुत से बच्चों को ध्यान आ गया होगा, तो विधायक का काम क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, या फिर स्टेट लेवल पर अगर बात की जाए, तो स्टेट लेवल पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विधायक या फिर MLA। ही शी इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोग उन्हें वोट देते हैं, वोट देके चुनते हैं, तो वो कौन होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्लियर है। ही शी इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, गेट्स इलेक्टेड एंड बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। या फिर क्या होता है कि जो भी पर्सन अपने आप को क्या करता है, MLA बनाना चाहता है, कैसे बनवाएगा अपने आप को MLA, कोई भी, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जो भी इंसान इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लोग वोट देंगे, और वोट देने के बाद जो जीतता है, ठीक है, तो गेट्स इलेक्टेड, वो इलेक्ट हो जाते हैं, गेट्स इलेक्टेड एंड बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, तो जैसे हम देखते हैं कि पूरी कंट्री के लिए दिल्ली में क्या होती है, पार्लियामेंट होती है ना, संसद भवन, उसी तरह से हर स्टेट में क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी स्टेट की पार्लियामेंट। आगे समझ में, तो स्टेट की पार्लियामेंट में वो क्या बनते हैं, मेंबर बन जाते हैं, कौन, जो जीतते हैं चुनाव, जो इलेक्ट होके आते हैं। तो MLA इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, ही शी गेट्स इलेक्टेड एंड बिकम्स द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं, और उसी के बाद में क्या बनाते हैं, ही फॉर्म्स द गवर्नमेंट ऑफ एट द स्टेट लेवल। अब ये जो MLA रहते हैं, तो जीतने वाले MLA ही क्या बनाते हैं, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं मतलब चीफ मिनिस्टर को चूज करते हैं, मिनिस्टर्स को चूज करते हैं। तो इस सेंस में MLA एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन होती है स्टेट गवर्नमेंट में। चैप्टर क्या है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को समझने से पहले हमें MLA को समझना होगा। अभी मुझे पता है आपको कंफ्यूजन होगा कि कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कैसे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं, सारी तरह के कंफ्यूजन होंगे, अभी नो डाउट कंफ्यूजन होगा। तो उस कंफ्यूजन को हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे ना, तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब कंफ्यूजन क्या है उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करवाता हूं, जो आप ही की बुक में से लिया है, ठीक है। देखो क्या होता है, ये क्या है, इंडिया, मतलब ये कंट्री है हमारा, ठीक, ये कंट्री। अब ये पूरे कंट्री में स्टेट्स होते हैं, मानते हो आप उस चीज को, कितने स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स हैं। एक स्टेट अभी यूनियन टेरिटरी में बदल गया ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो हमारे अब 28 स्टेट्स हैं। अब इन 28 स्टेट्स में क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, तो जैसा मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि कंट्री में दिल्ली में क्या होती है, हमारी पार्लियामेंट होती है, कंट्री लेवल पे पूरे कंट्री की एक पार्लियामेंट है, कहां पे है, दिल्ली में है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, और ये सारा सब कुछ आप 8th क्लास में पढ़ोगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे ये एक स्टेट है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब स्टेट के बारे में। वैसे ही स्टेट महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना भी है, उड़ीसा भी है, झारखंड भी है, बिहार भी है, बहुत सारे स्टेट है ना, तो हम स्टेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, हाउ डज द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। तो कंट्री में क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं, और स्टेट्स में क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मतलब स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन जाता है, MLA जाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, हम एग्जांपल के लिए अभी क्या लेते हैं, अभी हिमाचल प्रदेश लेते हैं, ये हिमाचल प्रदेश है, देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है उससे बॉर्डर टच होती है हिमाचल प्रदेश की, क्लियर है, ये हिमाचल प्रदेश है, मिल गया ना सभी को हिमाचल प्रदेश।
अब ये हिमाचल प्रदेश जो है, तो हम हिमाचल प्रदेश की स्टडी करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है पूरा, ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड, ये उसके आजू बाजू के एरिया है जहां पे लिखे हुए हैं ये। अब क्या होता है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंस्टिट्यूएंसी। अब जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया है उसी तरह से हर स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है कंस्टिट्यूएंसी में। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप पता करेंगे आपकी कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए कौन है। तो देखो कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है कि पूरे स्टेट के एरिया को आप अलग अलग पार्ट में, जैसे एक कंस्टिट्यूएंसी ये हो गई, ठीक है, आपको शायद विजिबल यहां पे ना हो लेकिन बुक में देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कहीं पे ये छोटा सा पार्ट है, ठीक, ये छोटे पार्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। अब ये पूरा पहाड़ वाला इलाका, तो देखो ये एक इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी, एक कंस्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी है ये, ठीक है, बाकी कंस्टिट्यूएंसी, कुछ कंस्टिट्यूएंसी इतनी छोटी छोटी भी है ये, क्लियर। तो इस तरह से ये कंस्टिट्यूएंसीज बना दी गई हैं, क्लियर है। अब ये कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं, तो इन कंस्टिट्यूएंसीज में क्या होता है, इन कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होते हैं, ठीक। स्टेट इज डिवाइडेड इन वेरियस कंस्टिट्यूएंसीज, और ये कंस्टिट्यूएंसीज, जैसे हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू इन 68 कंस्टिट्यूएंसीज, तो हिमाचल प्रदेश को 68 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होगा, ठीक है, हर कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होगा। इलेक्शन होने के बाद क्या होता है, वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी, तो 68 लीडर्स इलेक्ट होंगे, ठीक है, 68 सीट्स पे इलेक्शन होंगे, 68 कंस्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन होंगे। अब हर जगह से एक नेता चुन के आएगा, ठीक है, तो ये जो 68 लीडर्स आएंगे ये कौन होंगे, एमएलए होंगे, आगे समझ में, एमएलए फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंसी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि ये कंस्टिट्यूएंसी नंबर क्या है, 21 है, ये कंस्टिट्यूएंसी नंबर 21 है, यहां पे भी इलेक्शन होगा, तो यहां से एक एमएलए निकल के आया। वैसे ही 2 से भी, 1 से भी, 3 से भी, 4 से भी, सारी कंस्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन होते हैं और एक लीडर चूज जीत के आता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि दो लोग जीत जाते हैं एक साथ, एक ही लीडर जीत के आएगा। तो जो एक लीडर जीत के आता है वो उस कंस्टिट्यूएंसी से क्या कहलाता है, एमएलए कहलाता है। आया समझ में, यहां तक स्नैप रिकैप करते हैं जरा। कंट्री, कंट्री में स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स में क्या होता है, स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में, और ये सारी कंस्टिट्यूएंसी से एक लीडर इलेक्ट होकर आता है, उस लीडर को हम क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं, ठीक है। और ये सारे एमएलए जाके कहां बैठेंगे, जो स्टेट की पार्लियामेंट होती है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है जिसे, तो वहां पर जाके बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, वहां पर हमारे लिए लॉज बनाते हैं। यहां तक आई चीजें समझ में, अब आगे चलते हैं, चलो देखो और क्या होता है। तो अब अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या होता है, डिफरेंट एमएलए बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि यहां से कितने 68 एमएलए इलेक्ट होकर आएंगे। अब लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस कंस्टिट्यूएंसी से बीजेपी का एमएलए जीत के आया है, एमएलए जीतते कैसे वो समझाता हूं मैं आपको। अब इस कंस्टिट्यूएंसी में जैसे चुनाव होना है, तो कांग्रेस पार्टी भी अपने एक आदमी को, एक कैंडिडेट को खड़ा कर देगी, बीजेपी भी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर देगी, आम आदमी पार्टी भी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर देगी, इनके बीच में क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। अब लोग चूज करेंगे, तो लोगों ने किसको चूज कर लिया, इस कंस्टिट्यूएंसी से बीजेपी के कैंडिडेट को चूज कर लिया मान लो, ठीक है, लेकिन इस कंस्टिट्यूएंसी से कांग्रेस के कैंडिडेट को चूज कर लिया। तो इस तरह से 68 कंस्टिट्यूएंसीज जो है, तो वहां पे हर कंस्टिट्यूएंसी से एक ही इलेक्ट होकर आना, और हो सकता है कि 68 में से 40 बीजेपी के हो, बाकी दूसरी दूसरी पार्टी के हो, तो अलग अलग भी एमएलए आ सकते हैं, आया ना समझ में। तो उस तरह से यहां पे ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है क्या, कि डिफरेंट एमएलए बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जो पूरा स्टेट है उसकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एमएलए इलेक्ट होकर आ रहा है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है। तो अब अगर आप जैसे मेजोरिटी देखोगे, अभी हम बताएंगे आगे, तो अलग अलग डेटा आपके पास आएगा, कैसे है वो समझाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए वोन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट कैन बी सेड टू विन अ मेजोरिटी। देखो ये देखिए क्या होता है, ये इलेक्शन हुए थे कहां पर, हिमाचल प्रदेश का, जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017, ठीक है। अब इलेक्शन हुए, मैंने आपको बताया था पूरा हिमाचल प्रदेश है, इसको क्या कर दिया हमने, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। अब 68 लीडर्स आएंगे हमारे पास में, तो जो 68 लीडर्स आए थे उसमें से देखो ऐसा था, पॉलिटिकल पार्टी के नाम लिख दिए गए, नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड, ठीक है। अब देखो क्या है, तो ये भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के कितने आए, 44, तो जो 68 एमएलए थे उसमें से बीजेपी ने कितने जीते, 44 जीते, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितने, 21, तो मतलब 28 एमएलए जो है वो जीते, कौन सी पार्टी से है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते, इस तरह से। फिर क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो एक, ठीक। फिर क्या होता है, इंडिपेंडेंट्स, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, वो स्वयं के दम पे लड़े हैं इलेक्शन, तो वो दो थे ऐसे। तो अब ये टोटल अगर आप करोगे तो 44, 21, 1 और 2, तो ये 68 हो गया। अभी जो 68 हुआ है, तो ये 68 का जो डेटा है ये क्या बताता है, कि 68 एमएलए जो है वो इस प्रकार से आए।
अब देखो, अब जरा वापस आते हैं अगर हम हमारी कहानी पे, तो यहां पे क्या लिखा है कि अलग अलग एमएलए जो रहते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट कैन सेड टू बी इन अ मेजोरिटी। अब देखो क्या है, जैसे हमने देखा बीजेपी ने 44 सीट्स जीती है, या फिर कह सकते हैं टोटल एमएलए में से बीजेपी के कितने थे, 44 एमएलए थे, तो बीजेपी के पास में मेजोरिटी के एमएलए हैं, मेजोरिटी के जब एमएलए हैं तो मेजोरिटी में जो रहेगा वो क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा। जैसे चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव में भी जिसको मेजोरिटी के वोट्स मिल जाते हैं वो जीत जाता है, तो वही चीज यहां पे हुई है क्या कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो एमएलए हैं और उन एमएलए में से जिसके एमएलए ज्यादा हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे बीजेपी के देखे हमने इस केस में, तो बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट और ये रूलिंग पार्टी बन जाएगी। आगे समझ में? तो इस तरह से क्या होता है, कंट्री के अंदर स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स को लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, हर कंस्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद में एमएलए चूज किया जाता है, फिर देखा जाता है कि किस पार्टी के एमएलए ज्यादा हैं। अब जिस भी पार्टी के एमएलए ज्यादा होते हैं वह पार्टी क्या करती है, वो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, जो मेजोरिटी में होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं, वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। अब देखो क्या है, अब जैसे हमने यहां पे देखा क्या कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जीती थी, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही हार गई है, 21 सीट्स आई है, मतलब 21 एमएलए किसके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। तो अब ये दूसरी जो पार्टी रहती है वो अपोजिशन कहलाएगी, अभी बताते हैं आगे। तो अब क्या होता है, ये जो रूलिंग पार्टी बनी है तो इसमें से 1 एमएलए आउट ऑफ देम बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। अब हमने क्या देखा कि जो 44 एमएलए जीते थे ना, ये जो 44 एमएलए जीते हैं तो इन्हीं 44 एमएलए में से क्या होता है, 1 एमएलए आउट ऑफ देम बिकम्स द चीफ मिनिस्टर, उनकी पार्टी जीती है तो जो लीडर रहेंगे वो लीडर क्या बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बनते हैं कंट्री के। और ये चीफ मिनिस्टर फिर क्या करते हैं, देखो 44th एमएलए हैं तो 44 एमएलए में से एक आदमी तो क्या बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया। अब जो बचे हुए एमएलए हैं उनको वो क्या करेंगे, मिनिस्टर बनवा लेंगे। तो सारे के सारे मिनिस्टर नहीं बनते, मान लो 10 मिनिस्टर चाहिए तो उन 10 मिनिस्टर के लिए क्या किया जाएगा, उन 10 मिनिस्टर्स के लिए जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो चीफ मिनिस्टर चूज करते हैं, ठीक है, 1 एमएलए आउट ऑफ देम बिकम्स चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर फिर क्या करते हैं अपने बाद में, देन ही सिलेक्ट्स द अदर मिनिस्टर, तो वो जो दूसरे एमएलए थे उनमें से कुछ लोगों को मिनिस्टर की तरह सिलेक्ट कर लेते हैं कि अब तुम मिनिस्टर बन जाओ, तुम एजुकेशन मिनिस्टर बन जाओ, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैंने इस एमएलए को क्या कर दिया है अपने अंडर में एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। आया समझ में? तो देखो जो मेजोरिटी पार्टी रहेगी, जैसे यहां पे हमने देखा बीजेपी मेजोरिटी पार्टी थी, उसके पास 44 एमएलए थे, अब 44 एमएलए में से जो लीडर रहेगा या फिर एक एमएलए को ही क्या बनता है, चीफ मिनिस्टर। ये कैसे बनता है, तो ये 44 आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि किसे चीफ मिनिस्टर बनाना है, ठीक। अब ये चीफ मिनिस्टर बनाएंगे किसी को, अब जो चीफ मिनिस्टर बनाया तो वो क्या करता है, देन ही सेलेक्ट्स दी अदर मिनिस्टर, और इन सबको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट मतलब क्या करना है कि इन्हें अपनी पोजीशन पे शपथ कौन दिलवाता है। जैसे हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट शपथ दिलवाते हैं ना, तो वैसे यहां पे स्टेट लेवल पे क्या होता है, गवर्नर अपॉइंट्स देम। ये आपस में इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होके आ गए हैं, अब जो सिलेक्ट होके आए उन्हें फॉर्मली अपॉइंटमेंट लेटर कौन देता है, तो गवर्नर उन्हें शपथ दिलवाते हैं, उन्हें क्या करवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं कि हाँ आप चीफ मिनिस्टर की तरह काम करोगे, आप मिनिस्टर की तरह काम करोगे। तो ये पूरा सिस्टम होता है कि कैसे स्टेट में इलेक्शन होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया, एमएलए कौन होते हैं और एमएलए ही क्या करते हैं, आगे जाके एमएलए ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं, दूसरे मिनिस्टर्स बनते हैं। अब बात आती है अपोजिशन की, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया क्या कि ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन। तो जैसे जो जीत नहीं पाए, ठीक है, इन्हें बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोलते हैं हम, तो अभी क्या होता है, जैसे 21, 1, 2 ये लोग क्या बनेंगे, ये लोग जो है ये उसका काम करेंगे, अपोजिशन का काम करेंगे, मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी तो जिसकी मेजोरिटी हो गई, और जो जीत नहीं पाए वो अपोजिशन बन जाते हैं, तो अपोजिशन पार्टी का काम करेंगे, मतलब क्लियर है। अभी जो अपोजिशन है, अब क्या होता है देखो, तो इस सारी चीज को फिर वही बताया मैंने कि हम हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल से समझते हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन ऑफ 2017। तो ये वही हुआ, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होते हैं, इतनी इतनी सीट्स मिलती है सभी को। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी पार्टी कौन बनती है यहाँ पे, बीजेपी, क्यों, क्योंकि बीजेपी के पास में 44 सीट्स आई है, या फिर 44 एमएलए बीजेपी के हैं, मेजोरिटी एमएलए हो गए। फिर क्या होता है, लीडर ऑफ पार्टी कौन है, तो लीडर ऑफ पार्टी ही चीफ मिनिस्टर बनता है, जैसे बताया था ना, इन्हीं में से एक इंसान क्या बनता है, एक एमएलए कौन बनता है, चीफ मिनिस्टर। तो श्री जय राम ठाकुर, ठीक है, उस समय के 2017 में जो इलेक्शन होता था, जयराम ठाकुर क्या कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर बने थे, ये 2017 की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो जयराम ठाकुर जो है चीफ मिनिस्टर बनते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब मैंने आपको बताया था कि चीफ मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर्स को
सेलेक्ट कर लेते हैं और दूसरे मिनिस्टर्स के साथ मिलके वो क्या करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें गवर्न करते हैं, उन्हें चलाते हैं, ठीक है। MLA's रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन मीट्स टू डिस्कस वेरियस थिंग्स, और इसी तरह से क्या होता है कि MLA रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी हमने देखा, अपोजिशन पार्टी जो होती वो भी देखा हमने, तो ये सारे MLA's और रूलिंग पार्टी सब सारे लोग मिलते हैं कहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली अभी बताया था क्या होता है कि जो स्टेट में एक तरह से जहां पे मीटिंग होती है सारे लोगों की, जैसे हम अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली कहां पे है, भोपाल में, अधिकतर स्टेट कैपिटल में रहती है, तो स्टेट कैपिटल में जो संसद भवन कहते हैं जिसे, वहां पे क्या होती है, वहां पर मीटिंग होती है, तो वहां पे रूलिंग पार्टी के लोग भी आते हैं, दूसरे MLAs जो अपोजिशन में वो भी आते हैं, सारे लोग बैठ के डिबेट डिस्कशन करते हैं, प्लान्स पॉलिसीज पर गवर्नमेंट को एक दूसरे से क्रिटिसाइज करते हैं, सारी चीजें होती है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिबेट जो होने वाली, उसके पहले मैं आपको कुछ की फीचर्स या फिर की टर्म्स जो है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली को और अच्छी तरह से, MLA को और अच्छी तरह से, चीफ मिनिस्टर को, इन सारी चीजों को समझाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली जो है काम करती है, तो यही सारा हमारा आउटलाइन होने वाला है आगे आने वाले वीडियोस का, क्लियर है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।